हेलो दोस्तों, मैं हूं शिप्रा और स्वागत है आप सभी का फिर से एक और वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख ही रहे हैं कि अगर आप एक बजट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आपके पास इतने ऑप्शन है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ऐसे ही जो ऑलरेडी इतना भरा हुआ मार्केट है उसमें एक एडिशन हुआ है, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैनासोनिक एल्यूगा A3 प्रो की, जो कि कंपनी ने अगस्त स्टार्टिंग में लॉन्च किया है और इसका प्राइस रखा गया है तकरीबन 12,700 रुपये। इसके साथ ही कंपनी ने एल्यूगा A3 भी लॉन्च किया है जिसका प्राइस है तकरीबन 11,000 में। दोनों में बहुत ही जो नॉमिनल है वो थोड़ा स्पेक्स डिफरेंस है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्यूगा A3 प्रो की। तो वीडियो शुरू करें। तो सर, प्राइसिंग के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, 12,700 रुपये का ये फ़ोन अवेलेबल है और इसे आप फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से ले सकते हैं। कलर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रे, गोल्ड और मोका गोल्ड, यानी कि तीन कलर ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। अब बढ़ते हैं बिल्ड क्वालिटी और बात करते हैं डिज़ाइन की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सेमी मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन। इस फ़ोन का वेट है तकरीबन 161 ग्राम। स्क्रीन साइज यहाँ पर आपको मिला है 5.2 इंच का। आप राइट साइड में देखें तो वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन आपको राइट साइड में मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाती है सिम ट्रे। फ्रंट टॉप पे आपको देखने को मिल जाता है सेकेंडरी कैमरा, जिसके साथ आपको मिलता है नोटिफिकेशन LED लाइट। वहीं आप नीचे की तरफ देखें तो आपको होम बटन मिल जाएगा जो कि एक फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी काम करता है। अब आप फोन को पीछे की तरफ देखें तो आपको प्राइमरी कैमरा यहाँ पर मिल जाएगा और LED फ्लैश इसके साथ आपको देखने को मिल जाता है। उसके नीचे है स्पीकर ग्रिल। अब बॉटम पे आप देखें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है माइक्रो USB चार्जिंग के लिए पोर्ट, और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 3.5 mm ऑडियो जैक। दोस्तों, यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की अगर और डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा एक्सेप्शनल डिज़ाइन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अगर आप सिंगल हैंडेड यूसेज की बात करें तो आप सिंगल हैंडेडली इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ग्रिप काफ़ी बढ़िया है, फ़ोन बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़ोन का वेट है तकरीबन 161 ग्राम, तो फिर भी थोड़ा लाइट एंड पे है और सिंगल हैंडेड यूसेज के लिए फ़ोन अच्छा है। अब डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है 5.2 इंच की स्क्रीन, जिस पे आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलता है HD रेजोल्यूशन, और ये एक IPS HD पैनल है। डे लाइट की अगर हम बात करें और आउटडोर यूसेज की बात करें तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। इंडोर परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। डिस्प्ले जो है वो काफ़ी कलर वाइब्रेंट और काफ़ी शार्प डिस्प्ले है। और व्यूइंग एंगल्स की भी अगर आप बात करें तो आपको मूवी देखते हुए, गेम खेलते हुए या किसी भी मतलब ब्राउजिंग करते हुए भी किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये है MediaTek MT6753 प्रोसेसर, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और जिसकी स्पीड है 1.3 GHz। यहाँ पर आपको 3GB की रैम मिल जाती है और 32GB की इंटरनल स्टोरेज। अगर आप एक्सपेंशन की बात करें तो आप इसे microSD कार्ड के थ्रू 128GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। अब अगर परफॉर्मेंस फीडबैक की बात करें, जो डे टू डे यूसेज है, मल्टीटास्किंग है, ब्राउजिंग है, ऐसे में फ़ोन इन्हें काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है, तो डे टू डे यूसेज में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी एक्सटेंसिव यूसेज की बात करते हैं, जैसे कि आप आधा घंटे की गेमिंग या 15-20 मिनट की गेमिंग, या फिर कंटिन्यूस आप कैमरा अगर 10-15 मिनट तक यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में फ़ोन थोड़ा हीट हो जाता है और थोड़ा सा जो माइनर लैग है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में परफॉर्मेंस ओवरऑल जो एक नॉर्मल यूसेज है उनके लिए काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इससे आप एक्सटेंसिव गेमिंग या फिर एक एक्सटेंसिव परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के मामले में यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 7.0 नूगा आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जिसमें आपको मिलती है स्टॉक UI जो कि काफ़ी हद तक क्लीन है और काफ़ी क्विक है। जो एक मेजर एनहांसमेंट आपको एल्यूगा A3 प्रो में देखने को मिलता है वो है इनका वर्चुअल AI असिस्टेंट सपोर्ट, जिसका नाम रखा गया है ARBO, जिसके लिए कंपनी ने क्लेम किया है कि आपको सेवरल इम्प्रूवमेंट्स और इसकी फंक्शनिंग में एडवांसमेंट आपको टाइम के साथ देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको एक नियरली स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिल रहा है, ब्लोटवेयर आपको नहीं मिल रहा है, UI काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए अच्छी बात है जिन्हें स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है और कस्टम UI के ऊपर वो स्टॉक एंड्रॉइड प्रेफरेंस देते हैं, तो ऐसे में उन लोगों को ये फ़ोन कंसिडर करना चाहिए। अब बात करते हैं कैमरा की, तो यहाँ पर आपको 13 MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है और 8 MP का सेकेंडरी कैमरा मिलता है। प्राइमरी कैमरा में आपको फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस मिल जाता है जो कि काफ़ी क्विक है, और इमेज क्वालिटी की बात करें तो आपको तब तक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा जब तक आप डे लाइट में कैमरा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप लो लाइट कंडीशन में कैमरा यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर नॉइज़ और ग्रेन्स दिखाई देंगे। तो ऐसे में जो लो लाइट कंडीशन है वो दोनों ही कैमरा की, चाहे वो प्राइमरी कैमरा हो या सेकेंडरी कैमरा, दोनों ही कैमरा की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी गिर जाती है। तो ऐसे में ओवरऑल अगर आप कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो डे लाइट में आपको दोनों ही कैमरा से काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाती है, लेकिन लो लाइट में परफॉर्मेंस आपको उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती। बैटरी के मामले में आपको यहाँ पर कोई कंजूसी देखने को नहीं मिलेगी, आपको 4000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी देखने को मिल जाती है, जिससे आप 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से ले सकते हैं।
तो जैसा कि मैंने कहा कि बैटरी के मामले में यहाँ पर आपको कोई कंजूसी देखने को नहीं मिली है। अगर मैं अपने टिपिकल यूसेज की बात करूँ तो मुझे 1.5 दिन का बैटरी बैकअप इस फोन से आसानी से मिल जाता है। इसके साथ ही साथ कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज तो मिल ही रही है, साथ साथ में इसमें आपको USB OTG सपोर्ट भी इसमें मिलता है। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल इस फोन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक डिसेंट डिस्प्ले मिल जाता है, डिसेंट कैमरा मिल जाता है, परफॉर्मेंस में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, लेकिन बैटरी यहाँ पर आपको दिल खोल के मिली है। तो दोस्तों ऐसे में आप अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से देख सकते हैं ये फोन। अगर आपकी प्रायोरिटी है बढ़िया बैटरी, डिसेंट परफॉर्मेंस और डिसेंट कैमरा तो डेफिनेटली आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया फोन का प्राइस रखा गया है तकरीबन 12,700 रुपए। आप इसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन से ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं शिप्रा मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।